हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर रीसेंट टाइम्स में इतने ज़्यादा लेऑफ्स क्यों हो रहे हैं। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव है और आई थिंक कहीं ना कहीं पे ये इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग अवेयर हो सको कि गेमिंग इंडस्ट्री का अभी करंट क्या स्टेट है और आगे हम क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसकी शुरुआत हुई, ये टॉपिक आया मुझे मेरे दिमाग में जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा जहाँ पे बताया कि यूनिटी गेम इंजन ने रिसेंटली 1800 लोगों को ले ऑफ किया, विच इज़ बेसिकली 25% ऑफ देयर टोटल वर्कफोर्स। और यूनिटी ही नहीं, गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर कई सारे स्टूडियोज़ हैं जिन्होंने रिसेंटली ले ऑफ किया। इनमें से ट्विच एक है जिन्होंने 500 एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ किया। और गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर ही नहीं बट ओवरऑल अगर आप एक स्टार्टअप इकोसिस्टम में या फिर टेक इकोसिस्टम में देखोगे तो कई सारी कंपनीज़ ने बहुत सारे स्टाफ को ले ऑफ किया है। रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइजेस चल रही है। इसमें बहुत बड़े बड़े भी नाम हैं जैसे फेसबुक है या फिर आपका गूगल है या फिर माइक्रोसॉफ्ट है। ये लेऑफ्स जो है वो रीसेंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। इसके पीछे दो मेजर रीजंस हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं बात करूँगा स्पेसिफिकली अबाउट द गेमिंग इंडस्ट्री, बट ये जो भी रीजंस मैं आपको बता रहा हूँ दोज वाइडली अप्लाई ऑन ऑल द इंडस्ट्रीज इज वेल। ये जो दो रीजंस है ये प्राइमरी रीजंस है लेऑफ्स के ट्रिगर होने का। सबसे पहला रीज़न है कि 2020 के अंदर 2020 टू 2021 के अंदर जो एक स्पाइक हुआ था टेक इंडस्ट्री के अंदर या फिर गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो अभी नॉर्मलाइज हो गया है या फिर कुछ हद तक स्लो डाउन हो गया है। तो उस टाइम पे जो कंपनीज़ को अननेचुरल ग्रोथ मिली थी वो अभी ऑब्वियसली नॉर्मलाइज हो गई है और स्लो डाउन हो गई है। इसी वजह से जो कंपनीज़ है उनको एक्सेस स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पे काफ़ी सारी कंपनीज़ ने ओवर हायर किया था क्योंकि उस टाइम पे वो स्टाफ की रिक्वायरमेंट थी। और अभी क्योंकि चीज़ें नॉर्मल हो गई है, क्योंकि चीज़ें स्टेबलाइज होने की तरफ बढ़ रही है, इसी वजह से वो जो एक्स्ट्रा स्टाफ है वो अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। 2020 टू 2021 के दौरान जो कंपनीज़ हैं वो स्टाफ को एक्स्ट्रा सैलरी देके डबल ट्रिपल फोर टाइम सैलरी देके लोगों को हायर कर रही थी। अभी कॉस्ट उनकी बढ़ गई थी, उसको भी उनको कंट्रोल में लाना है क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ें नॉर्मलाइज होने के बाद उनके रेवेन्यूज़ भी नॉर्मलाइज हो गए और वो रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस रेशियो को नॉर्मलाइज करके उनको एक प्रॉफिट रजिस्टर करना रहता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप एक बिजनेस चला रहे हो दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट मैटर्स, कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो। और अगर प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, लॉस मेकिंग कंपनी हो, तो कितने टाइम तक आप सर्वाइव कर सकते हो, कितनी फंडिंग रेज करनी है, तो ये सारे सवाल के जवाब कंपनीज को लेने पड़ते हैं। अब ऑब्वियसली फॉर द स्टाफ दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव सिचुएशन क्योंकि उन्होंने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने तो जॉब अप्लाई कर दिया था और उनको अच्छा खासा पैकेज मिलने के बाद उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड किया था या फिर उस लाइफस्टाइल के साथ कंफर्टेबल हो गए थे। तो फॉर देम इट इज़ अ रूड शॉक। काफ़ी एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बन गया है इन द ओवरऑल टेक इकोसिस्टम, इन द गेमिंग इकोसिस्टम। तो ऑफ कोर्स दिस एज अ फेज इज़ गोइंग टू कंटिन्यू फॉर अ वाइल। जो 2024 आप देखने वाले हो, 2024 के अंदर ये ट्रेंड जो है वो कुछ हद तक कंटिन्यू होने वाला है। एंड दैट इज़ प्राइमरली जस्ट बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा एक ट्रांजिशन फेज से जा रहे हैं। बात करते हैं अभी सेकेंड रीज़न के बारे में। पहला रीज़न तो है कि जो अननेचुरल ग्रोथ हुई थी उसकी वजह से अब चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई है, इस वजह से चीज़ें रिवर्सल में जा रही है। सेकेंड रीज़न अब ये है कि रीसेंट टाइम्स में कई सारे एआई टूल्स जनरेट हुए हैं, एआई टूल्स बने हैं जिसको यूज़ करके ये कंपनीज अपने वर्कफोर्स को कंट्रोल में ला रही है या फिर उनको एक नॉर्मलाइज कर रही है और काफ़ी सारे जो प्रोसेसेस है उनको ऑटोमेट कर रही है। जो यूजुअली पहले जो काम ह्यूमंस करते थे अभी वो काम एआई कर रहा है और एआई उनको रिप्लेस कर रहा है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अब डेफिनेटली गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। AI इज़ मोर ऑफ एन एनेबलर। AI आपके काम को स्पीड अप करेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में आपको हेल्प करेगा। हावेवर एक टेम्पररी जो डिसकम्फर्ट है वो डेफिनेटली होने वाला है। ये जो ट्रेंड है, अगर मैं प्रेडिक्ट करूँ, अगर मैं थोड़ा बहुत जो आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहा हूँ या फिर जो ट्रेंड्स फॉलो कर रहा हूँ उस हिसाब से 2025 तक चलने वाला है। 2025 के बाद ये चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज होगी और जो भी अभी के लेऑफ्स वगैरह हुए हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाएंगे या फिर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट? तो ये जो सिचुएशन में हम आए हैं इसमें बेसिकली यू नो ओवर ग्रोथ इज़
बेसिकली द कल्प्रेट ओवर हियर. ओवर ग्रोथ जो हमने देखी थी 2020 टू 2021 के दौरान, उसकी वजह से काफ़ी सारी कंपनीज ने फंडिंग रेस की, फिर बाद में स्टाफ को हायर किया, ओवर हायर किया, एंड फिर बाद में अब जाके उसके जो रिपरकशंस है वो उनको फेस करने पड़ रहे हैं, विच इज़ द रीज़न वाई ये सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं. इंडिया के अंदर भी कई सारी कंपनीज में ले ऑफ हुआ. अब पिछले साल एक 28% जीएसटी का एक न्यूज़ आया था ऑन गैम्बलिंग एप्स, जिसकी वजह से गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर भी फॉर सम रीज़न अफेक्ट हुआ था. तो गैम्बलिंग कंपनीज जो थी उनके ऊपर ये भारी भरकम जो जीएसटी का अमाउंट था वो इम्पोज हुआ, बट इसी की वजह से गेमिंग इंडस्ट्री भी काफ़ी सफ़र हुई. अगर मैं बात करूँ गैम्बलिंग जो ऑपरेटर्स है, यू नो मोर और लेस वो रियल मनी गेमिंग में जो ऑपरेट करते हैं, उनको इसका सबसे ज़्यादा धक्का लगा, जिसकी वजह से पिछले साल MPL में भी काफ़ी सारे ले ऑफ्स अनाउंस हुए. एंड पूरा साल ये ऐसा ही ऑलमोस्ट नेगेटिव ट्रेंड चलता रहा है. 2023 वाज अ वेरी डार्क ईयर फॉर द ओवरऑल टेक इकोसिस्टम, क्योंकि जो भी अननेचुरल ग्रोथ हुई वो अब जाके नॉर्मलाइज हो रही है, एंड इसी वजह से अभी चीज़ें धीरे धीरे करके एक स्ट्रीमलाइन तरीके में आ रही है. ऑफकोर्स जब एक अननेचुरल स्पाइक होता है, अननेचुरल कर्व होता है ग्रोथ का, उसको नॉर्मल होने में टाइम लगता है, चीज़ें बैक टू नॉर्मल होने में टाइम लग रहा है. एंड अभी धीरे धीरे चीज़ हम लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे ये पूरा जो ट्रेंड है वो एक नॉर्मल सी की तरफ बढ़ रहा है. जैसे मैंने बोला, ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू रहने वाला है. तो अगर आप टेक इंडस्ट्री में हो, गेमिंग इंडस्ट्री में हो, एज ऑन अ पे रोल या फिर सैलरी पे हो, तो यार अपने आप को इक्विप करके रखो. बी प्रिपेयर्ड टू मेक श्योर कि आप खुद के लिए एक सेफ्टी नेट क्रिएट करके रख रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, प्रॉपरली प्लान आउट कर रहे हो, खुद के पास एटलीस्ट एक 9 to 10 months का कैपिटल रख के रखिए, और उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अच्छे से प्लान करके रखिए, ताकि अगर आपका जॉब चला जाता है तो आपके पास वो एक चंक रहे जिसके ऊपर आप सर्वाइव कर सको. एंड इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पे जॉब्स नहीं मिल रही है. कंपनीज हायर भी कर रही है, बट बहुत कॉशियसली हायर कर रही है. कुछ कुछ कंपनीज ने हायरिंग को भी पॉज करके रखा. फिलहाल सारी कंपनीज का फोकस है आइदर टू एक्सटेंड देयर रनवे और टू मेक श्योर दैट दे आर प्रॉफिटेबल इनफ टू सस्टेन देयर ऑपरेशंस. तो यही कुछ रीजंस है, ये दो रीजंस है जिसकी वजह से ये सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं. और बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, बट इट इज़ समथिंग दैट इज़ अ साइकिल. हर एक साइकिल रहता है हर एक इंडस्ट्री के अंदर, या फिर हर एक टाइम में एक साइकिल आता है जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जाना पड़ता है, विच इज़ मेजरली अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. एंड दैट्स अबाउट इट दोस्तों. अगर आप सोच रहे होंगे, ये सारे आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे, तो आपको बस ऐसे दिमाग में नज़र आता है कि यार ये कंपनी ने ले ऑफ किया, इतने सारे स्टाफ गए, बट बैक एंड में कंपनीज़ के साइड से क्या क्या रीजंस थे, मैं आपको उसके बारे में एजुकेट करना चाहता था. एंड एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी एजुकेट करना चाहता हूँ कि मेक श्योर करें कि आप अपनी सिचुएशन को ऐसे बनाओ जिससे आपकी जो पूरी नॉर्मल लाइफस्टाइल है वो आपकी कंपनी के जॉब के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसी के साथ दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आप और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर पाओ, ताकि लोग अवेयर हो जाए. अगर कोई आपका दोस्त गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, उनकी जॉब है, तो फिर उनके तक ये वीडियो पहुँचा दो. और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ. मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ. इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखना.